हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज का सेशन मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ, जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेट था इस सेशन का। सो आज का टॉपिक है हमारे सेशन का, हाउ टू मैनेज करियर इन रिलेशनशिप्स। सो आई एम रनिंग माय ओन कोचिंग सेंटर। सो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रही हूँ कि दे आर पजल्ड इन देयर करियर एज वेल एज रिलेशनशिप्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, दे आर गुड इन स्टडीज, ओके, उनका लेकिन रिलेशनशिप की वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम पहले किसको प्रायोरिटी दें और बाद में किसको प्रायोरिटी दें, ठीक है। और मैं इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगी कि करियर को, रिलेशनशिप्स को साथ साथ में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं विद गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स, या आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफी अच्छी होंगी। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, आप सपोज ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आपका जो ये स्टूडेंट लाइफ है, आपके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो आपके पास एक करियर है, ठीक है, दूसरा आपके पास जो करंट जो भी हमारे 11th 12th या 9th 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अहम मुद्दा कह सकते हैं, एक रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ चुका होता है। और क्लास 8th 9th के बाद, जैसा कि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होने लगते हैं और उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड विद द अपोजिट सेक्स। सो दिस इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और आप एक बॉय हैं या फिर आप गर्ल हैं तो आपको अट्रैक्शन हो सकता है किसी दूसरे सेक्स से, लेकिन आपका ये पीक टाइम होता है करियर को भी फोकस करने का, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चीजों को मैनेज करना है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर कोई स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम दे रहा है या 10th या 12th का स्टूडेंट्स है, या बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉलेज लाइफ में होंगे, जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज में होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉब में सेटल्ड होंगे। सो ये सेशन सभी लोग हमारा सुन रहे होंगे होपफुली, तो ये सेशन हमारा स्कूल स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। स्कूल स्टूडेंट्स में थोड़ा सा इमेच्योरिटी होती है, उनको पता नहीं होता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्सन, कि उस एज में उस पर्सन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सेशन जो है कॉलेज स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और कुछ ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज जॉब में सेटल्ड है, ठीक है। तो देखिए, ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने फ्रेंड्स, कभी कभी फ्रेंड आपको सही सजेशन नहीं देते हैं और फ्रेंड्स सोचते हैं भाई उनकी भी वही एज है जो आपकी एज है, तो आप मुझे अपना एक एल्डर समझ के, चाहे आप अपनी मुझे सिस्टर समझ सकते हैं, अपनी टीचर समझ सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पे इस बात को फोकस करेंगे कि करियर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप स्कूल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मैं अपने कोचिंग में या जितना भी लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, जितनी भी हमारी स्टूडेंट का जो ग्रुप है, जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं पढ़ाई के साथ साथ उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। तो क्योंकि देखिए, जब आपका हेल्थ अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा, तभी आप अपने करियर में 100% दे पाएंगे, ठीक है। जब आपका माइंड प्रॉपर, आप अपने माइंड पे क्या कर रहे हैं, आपका माइंड स्ट्रेस्ड है, आपको हमेशा याद रखना है कि लाइफ इज ऑल अलोन, मींस आपको ये जो लाइफ है ऑल अलोन मिली है, आप अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो भी हमारी जिंदगी है, जो भी लाइफ है, उसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा किसी के लिए डेड सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले हैं, आपकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, किसी भी चीज को लेकर डेड सीरियस नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस सारे चीजों के बारे में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको पॉजिटिव हमेशा थॉट्स को लाना है। और आप पॉजिटिव जब सोचेंगे तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होंगी। कई बार मैं निगेटिव पर्सन से मिलती हूँ तो हर बार हर चीज में निगेटिविटी होती है। तो आप जब ऐसे लोगों से के कांटेक्ट में रहेंगे, जब आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होंगे, तो आपकी भी माइंड में कहीं ना कहीं जो माइंड का ऑरा होता है वो उसी तरीके से आपका निगेटिव थॉटफुल हो जाएगा।
पहला तो मेरा ये सजेशन है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव पीपल से सराउंडेड रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई उनका रिलेशनशिप है तो वो अपना करियर नहीं अचीव कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि वॉट इज सीरियस रिलेशनशिप। कई बार लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि वो हमारा रिलेशनशिप है। तो अट्रैक्शन और लव दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिससे अट्रैक्शन हो उसी से आपको लव हो। सम टाइम आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आप, और उसके बाद वो रिलेशनशिप आप वो सीरियस होते ही नहीं है, आप भी टाइम पास कर रहे हैं, वो सामने वाला भी टाइम पास कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट एक फोकस और भी बताऊंगी। मैं स्पेशली एक पॉइंट मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग गर्ल्स को इमोशनल फूल समझते हैं। गर्ल्स आर इमोशनल फूल। कुछ गर्ल्स इससे एग्री होंगी और कुछ गर्ल्स एग्री नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि जो गर्ल्स होती हैं इमोशनल होती हैं, दे आर इमोशनल, टू मच इमोशनल, और वो जिस काम को भी करती हैं वो पूरी सिंसियरिटी से करेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो चाहे वो पढ़ाई हो। लेकिन यहाँ मैं बॉयज के भी अपोजिशन में नहीं बोल रही हूँ। सम बॉयज आज के समय में जो रिलेशनशिप्स है वो 5% ट्रू रह गई है। 95% पीपल आर डूइंग, दे आर इन्वॉल्विंग इन फेक रिलेशनशिप्स, ठीक है। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ब्रेन बहुत अच्छा है बट दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज। वो अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको इस एज में नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सेशन को आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, आप सबसे पहले करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। रिलेशनशिप को आप साथ साथ भी लेके चल सकते हैं। कई बार कोई एक, जैसे सपोज कोई एक बॉय ए है कोई एक गर्ल बी है, और ये इन दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली और दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड डे बाय डे, दोनों आपस में बहुत सीरियस हो रहे हैं, लेकिन दोनों का कहना है कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हो सकता है इन फ्यूचर उनका रिलेशनशिप प्रॉपर स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी टेम्परेरी वो लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल इस बात को मान लें कि रिलेशनशिप इज नॉट बैड, रिलेशनशिप अच्छी चीज है। आप मान लें आप सीरियस हो जाए एक पर्सन के लिए और उसी के लिए दिन रात मेहनत करें, अपने करियर पे को अचीव करें, और आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो एयरफोर्स ऑफिसर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप उस अपने टारगेट पे पहुंच के सारी चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी। जब आप, क्या होता है, इस मैंने कई बार अपने स्टूडेंट से मैंने बात की, मैंने समझा, डे टू डे लाइफ में मैं देख रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है दे आर वेरी मच पजल्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप्स। भाई आपका ये एज जो है वो रिलेशनशिप के लिए नहीं है सिर्फ, कि आप अपना सारा कुछ फोकस रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, करियर को देख लिया, सेकेंडरी रख दिया। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करियर को सेकेंडरी मान के चल रहे हैं, और अल्टीमेटली होगा क्या, जब आप करियर को अपना नहीं अच्छा बनाएंगे तो आपकी रिलेशनशिप अपने आप ही अनहेल्दी हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप इज सम वॉट रिलेटेड टू करियर। भाई करियर अच्छा होगा, आप अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, तो आपके रिलेशनशिप्स अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। कई बार रिलेशनशिप से करियर अच्छा हो जाता है, तो आप दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आप जितनी जो भी गर्ल या बॉय आपको पसंद है आप उससे एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपने करियर पे फोकस करते रहिए। जब आप कह दीजिए कि जब मैं कुछ अचीव कर लूंगा तब, लेकिन मैं 95% स्टूडेंट्स को आजकल देख रही हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दे आर टोटली टाइम पासिंग। दोनों एक दूसरे का टाइम पास कर रहे हैं और अपना प्रीशियस लाइफ का प्रीशियस जो आपका चाइल्ड, ये जो आपका स्कूल लाइफ है, उसको स्पॉइल कर रहे हैं। और अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी सब कुछ छोड़ के अपनी रिलेशनशिप्स को होल्ड पे करके अपने करियर पे फोकस कर ले, अपना 100% एफर्ट दे दे। यहाँ पे जब आप 100% एफर्ट दे देंगे तो आपको कुछ ही महीनों बाद आपका बोर्ड रिजल्ट आपके सामने होगा, या आपके कॉम्पिटिशन जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, और फिर सारी की सारी रिलेशनशिप्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। और बॉयज के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो बॉयज गर्ल्स को इमोशनल फूल समझ रहे हैं तो वो समझ लें कि गर्ल्स आर नॉट इमोशनल फूल, वो बहुत सेंसिटिव हैं,
बट दिस लाइन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल 100% गर्ल्स. कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो रियल हैं, जो इमोशनल फूल हैं, दे आर सेंसिटिव. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फूल ही मान लिया है आपने उनको, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, वो क्या कर रही है, वो सिंसियर है. मैंने गर्ल्स के लिए एक ही बात बोली कि वो जो भी चीज करती है वो सिंसियरली करती है. और कुछ बॉयज भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि बॉय सिंसियर नहीं होते हैं. तो आपको मैं गर्ल और बॉय को लेकर ये कोई सेशन में बनाने नहीं आई हूँ कि मैं गर्ल हूं तो मैं गर्ल को फेवर कर रही हूँ. गर्ल और बॉय सब कुछ इक्वल है, बस आपका फोकस है कि कौन कितना सीरियस है. तो डोंट स्पॉयल योर प्रीशियस टाइम माई डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस सेशन. थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.